IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN 7 बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बिहार में सियासी घमासान चरम पर पहुंच गया है। आज सुबह बिहार के प्रभारी राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी पटना पहुंच चुके हैं। दोपहर बाद नीतीश कुमार करीब 1:30 बजे राजभवन जाकर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। नीतीश कुमार के साथ जेडीयू के 97 विधायक भी राजभवन तक मार्च करेंगे। इसके अलावा आरजेडी के विधायक भी राजभवन तक परेड करेंगे। जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा है कि आज 1:30 बजे नीतीश विधायकों के साथ राज्यपाल के पास जाएंगे। उनका दावा है कि उनके साथ 130 विधायक होंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि मांझी को अगले 48 घंटे में हटाकर नीतीश को फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाए। उधर जेडीयू के ही दलित विधायक और पूर्व मंत्री रमई राम ने मांग की है कि उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का ये कहना है कि मुझे जो कुछ कहना था मैं पहले कह चुका हूं, अब मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं कहना। जब उनसे पत्रकारों ने सवाल किया तो ये कहना था बिहार के सीएम जीतन राम मांझी का। सारी बातें हो गई है आप लोगों से, आप कोई बात नहीं करनी है। सर डिसोल्यूशन करेंगे कि या फिर नोटिस करेंगे? सारी बात आपने कह दिया है, रिपीट आप बेकार कर रहे हैं। जेडीयू नेता अली अनवर का कहना है कि मांझी बीजेपी के ट्रैप में आकर फंस गए हैं। बीजेपी ने हमारी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाएगी, ये जेडीयू का आरोप है। जो मांझी जी हैं उनके ट्रैप में आ गए, उनके शिकार हो गए साजिश के, और ये सब करके बीजेपी के लोग पूरे बिहार को जो अस्थिर करने की, थोड़े ही समय के लिए सही, अस्थिर करने के लिए पार्टी को हमारे तोड़ने का जो प्रयास था वो थोड़े देर के लिए चल रहा है लेकिन अल्टीमेटली ये चलेगा नहीं। और इन सब के बीच बिहार सरकार में मंत्री रमई राम ने यह विश्वास जताया है कि सरकार नीतीश कुमार की ही बनेगी और हमारी ये मांग है कि उप मुख्यमंत्री हमें ही बनाया जाए। नीतीश कुमार का बिहार के जनता के सामने नीतीश कुमार के सामने अपनी बात रखे हैं, इसलिए कि नीतीश कुमार सम्मान नेता है, सभी दलों ने उनको नेता मान चुका है, तो मेरा भी अधिकार बनता है, मेरा भी सोच है कि उनके तरफ से हमको भी मैंने डिप्टी सीएम होना चाहिए। हमारे साथ और चर्चा के लिए जुड़ रहे हमारे संवाददाता अरुण सिंह पटना से। अरुण, शुक्रवार से ही ये सियासी ड्रामा चल रहा है। जीतन राम मांझी यहां से रवाना हो चुके हैं दिल्ली से, गवर्नर पहुंच चुके हैं पटना, पूर्व सीएम नीतीश कुमार जो हैं वो 1:30 बजे परेड कर सकते हैं ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन ये बताइए कि आज वहां पर क्या कुछ होने वाला है, क्या आशंका है, क्या उम्मीदें हैं और क्या क्या वहां पर हो सकता है, ये बताइए आज। देखिए पायल, सबसे बड़ी बात तो यह है कि राज्यपाल के पटना आते ही सबसे बड़ी चीज ये होगी कि जो बादल छाए हुए थे अनिश्चितता के वो काफी हद तक छंट सकते हैं, क्योंकि आज जीतन राम मांझी को उनको मिलना है। 12:30 बजे सूचना आयुक्त का शपथ ग्रहण समारोह है, ये पहले से तय समारोह था जिसमें मुख्यमंत्री के रूप में जीतन राम मांझी राज्यपाल से मिलेंगे, लेकिन सियासी बात न हो ऐसा हो नहीं सकता, इतनी बड़ी क्राइसिस है तो सियासी बात भी होगी। उसके बाद 1:30 बजे जब नीतीश कुमार सर्कुलर रेड पर उनका घर है यहां से, और वहां से लगभग 130 विधायकों के साथ वो चलते, शाहबान हमारे कैमरामैन उनसे कहेंगे जरा दिखाएं तस्वीर के जरिए कि कितना एंथुसियाज्म है यहां के लोगों को में भी कि आखिर क्या होगा, कौन मुख्यमंत्री रहेगा, किसकी सरकार रहेगी, क्या नीतीश कुमार वापस मुख्यमंत्री बन पाएंगे, क्या जीतन राम मांझी अपनी कुर्सी बचा पाएंगे। और राजभवन के सामने सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं क्योंकि बहुत भारी संख्या में जो विधायक हैं वो भी परेड करने यहां आने वाले हैं, और शो ऑफ स्ट्रेंथ, कितनी ताकत किसकी है वो दिखाने की कोशिश होगी। नीतीश कुमार के लिए मुश्किल का सबब ये बनता जा रहा है कि जितनी देर हो रही है तो जिस तरह से बात हो रही है, कुछ जैसे रमई राम ने दबाव बनाना शुरू कर दिया कि उनको डिप्टी सीएम बनाया जाए, इस तरह से कई ऐसे विधायक हैं जिनको ये लगता है कि इस बार चुनाव में उनको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर टिकट मिलेगा तो क्या वो जीतेंगे, बीजेपी से मुकाबले में अगर हार जाएंगे तो फिर उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा। तो इसी बार जो कुछ मिल सकता है, जो बार्गेन कर सकते हो, या तो जीतन राम मांझी से कर लो या फिर नीतीश कुमार से कर लो। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। आपके पास लौटेंगे और
किसकी होगी जीत, नीतीश कुमार या जितेंद्र राम मांझी की? बिहार के मुख्यमंत्री मांझी दिल्ली आए, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उधर बिहार के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने नीतीश समर्थक 20 मंत्रियों का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया है। इसके अलावा राज्यपाल मांझी की सिफारिश पर भी विचार कर सकते हैं। राज्यपाल को लिखी चिट्ठी में मांझी ने खुद को हटाए जाने के जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव के फैसले को अवैध बताया है। I am very much Chief Minister and will prolong till the lesser party of the Janata Dal United. बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने साफ कर दिया, उनकी पार्टी के सुप्रीमो नीतीश कुमार कहते रहे कि वो विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं। भले ही नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दे, लेकिन फिलहाल बिहार के मुख्यमंत्री तो वही है। रविवार को देश की राजधानी दिल्ली बिहार की सियासत का रंगमंच बना हुआ था। मांझी दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में बतौर बिहार के मुख्यमंत्री शामिल होने आए थे और आते ही ऐलान कर दिया था कि मांझी की नैया नहीं डूबेगी। आपको तो विधायक दल का नेता मांझी का नाम डूबता है। सवाल ये है कि क्या जेडीयू टूट जाएगी? क्या मांझी बीजेपी से समर्थन लेकर अपनी नैया पार लगाएंगे? क्या उन्हें जेडीयू विधायकों का समर्थन हासिल होगा? मांझी ने बिहार की सियासत दिल्ली से साधने की हर कोशिश की। नीति आयोग की बैठक के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। 40 मिनट से ज्यादा हुई इस मुलाकात में मांझी ने सिर्फ बिहार के विकास के बारे में ही बात नहीं की, उन्होंने नीतीश के खिलाफ ताजा सियासी माहौल में पीएम से भी मदद मांगी। हम बीजेपी की सपोर्ट लेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी आरजेडी और कांग्रेस जो है वो नीतीश कुमार जी के जो सहयोगी हम के साथ मिलकर आज स्पीकर के पास मिले थे, क्या आप बीजेपी से सपोर्ट लेंगे? फ्लोर पर जो भी हमको समर्थन देंगे उनका समर्थन लेने में हमको कोई हिच नहीं होगी। साफ है मांझी अड़ गए हैं, अब वो इस्तीफा नहीं देंगे, ना नीतीश की सुनेंगे ना अपनी पार्टी की। नीतीश पर सत्ता का लालची होने का आरोप लगाते हुए मांझी ने कहा कि नीतीश ने महादलित का अपमान किया है। सवाल ये है कि क्या मांझी अपनी ताकत बिहार में दिखा पाएंगे? ये अगर तोड़ रहे हैं तो नीतीश जी तोड़ रहे हैं। नीतीश जी ने पूरे कार्यकाल के लिए सीएम बनाया था जीतन राम मांझी को, अब उनको इतने ही दिनों में बेचैन होंगे कि कहते हैं कि नहीं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। हमारे जीतन राम मांझी जी हैं और मैं तो देखो मैं 10 मुख्यमंत्री के साथ काम किया हूं, पिछले 32-33 वर्षों से लगातार सदन में हूं। पार्टी तोड़ेंगे आप लोग? नहीं, जरूरत पड़ेगा तो तोड़ेंगे। मांझी दावा कर रहे हैं कि वो वापस लौटते ही अपनी कैबिनेट का विस्तार करेंगे। दावा किया कि जरूरत पड़ी तो 2 डिप्टी सीएम बना देंगे और 34 नए मंत्री भी बना सकते हैं। उधर जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने बिहार की 31 मंत्रियों में से 19 का हस्ताक्षर युक्त पत्र राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और बिहार के गवर्नर केसरीनाथ त्रिपाठी को भेजा है। जेडीयू का कहना है कि जीतन राम मांझी के बागी तेवरों के पीछे बीजेपी की साजिश है। दिल्ली वाली जो सरकार है, जो जीतन राम मांझी जी है, दिल मिलाने दिल्ली गए हैं, तो दिल्ली बीजेपी से रिमोट से सरकार चला रही थी, बीजेपी यहाँ बिहार में ये एस्टेब्लिश हो गया। फिलहाल पटना में नीतीश समर्थक गुट भी शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में जुटा है। बताया जा रहा है कि सोमवार को राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी के कोलकाता से पटना आने के बाद नीतीश उनसे मुलाकात करेंगे। वो राजभवन में अपने समर्थक विधायकों की परेड भी करा सकते हैं। इस बीच आरजेडी, कांग्रेस और सीपीआई ने नीतीश के पक्ष में अपने विधायकों के समर्थन की सूची राज्यपाल के सचिव को सौंप दी। फिलहाल गेंद राज्यपाल के पाले में है और फैसला सोमवार को होगा। लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद नरेंद्र मोदी के धक्के से जब नीतीश कुमार की नाव डगमगाई तो नीतीश ने अपने नाव की पटवार मांझी के हाथ में दे दी, लेकिन अब मांझी नीतीश की डगमगाती नाव को मझधार में ले जाकर डुबाना चाहते हैं, तो नीतीश के पास इस राजभवन की तरफ देखने के अलावा भला चारा भी क्या बचा है? कैमरामैन शाहबान के साथ अरुण सिंह, पटना, IBN 7। वही जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी का कहना है कि आज 1:30 बजे लालू, शरद, नीतीश के साथ 150 विधायकों की हम परेड करेंगे और राज्यपाल से कहेंगे कि 48 घंटों के भीतर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए और मांझी, जो जनता दल यूनाइटेड के अब कार्यकर्ता भी रही बचे हैं, उन्हें हटा दिया जाए। आज 1:30 बजे श्री लालू प्रसाद यादव अध्यक्ष आरजेडी, श्री शरद यादव, श्री नीतीश कुमार, कांग्रेस के नेता सीपी जोशी और श्री सदानंद सिंह,
कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक 130 एमएलए के साथ हम राजभवन में परेड कर रहे हैं, अपनी संख्या का प्रदर्शन करेंगे और गवर्नर से हम निवेदन करेंगे कि 48 घंटे के अंदर श्री नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाए और श्री जीतन राम मांझी जो जनता दल यू के सदस्य भी नहीं बचे हैं उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये प्रदर्शन फिर दिल्ली में होगा और राज्यसभा और लोकसभा का बजट सेशन इतनी आसानी से नहीं चल पाएगा अगर लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास पटना में किया गया।